हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 33 वीडियो है और पार्ट 33 वीडियो में चैप्टर 6 के विविध प्रश्नावली और क्वेश्चन नंबर है आपका 9। कह रहा है आयताकार आधार व आयताकार दीवारों की 2 मीटर गहरी और 8 मीटर क्यूब आयतन की एक बिना ढक्कन की टंकी का निर्माण करना है। हमें एक ऐसा टंकी का निर्माण करना है, समझ लीजिए यह एक आयताकार दीवार है, इसकी चारों दीवारों आयताकार है और आधार भी आयताकार है, यानी घनाभाकार हो जाएगी टंकी। टंकी कैसी हो जाएगी? घनाभाकार हो जाएगी, ठीक है, ये घनाभाकार टंकी हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। तो इस प्रकार की टंकी का निर्माण करना है जो बिना ढक्कन के है, ढक्कन रहित है, बिना ढक्कन के वो टंकी है, ठीक है। अब देखिए इसकी गहराई कितनी दी है, 2 मीटर। गहराई कितनी है? 2 मीटर, ठीक है। तो मैं लंबाई को एक्स मान लेता हूं और चौड़ाई को वाई मान लेता हूं और इसका आयतन जो दिया है 8 मीटर क्यूब दिया। यदि टंकी के निर्माण में आधार के लिए, यानी कि ये नीचे वाले तल के लिए 70 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से और दीवारों के लिए 45 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से व्यय लगता है, चारों दीवारों के लिए 45 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से व्यय लगता है, खर्च लगता है, तो न्यूनतम खर्च से बनी टंकी का आयतन लागत क्या है, यानी कि सबसे कम खर्च, न्यूनतम खर्च में जो टंकी बनेगी उसकी लागत कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो मान लेते हैं, माना आयताकार टंकी की लंबाई बराबर में x, आयताकार टंकी की चौड़ाई बराबर में y, ठीक है। चलिए, और ये आपकी गहराई दी है 2 मीटर, यानी एज ए ऊंचाई ले सकते हैं। टंकी का आयतन दिया हुआ है, कितना दिया है? तो आयतन दिया है हमारे पास 8 मीटर क्यूब। तो टंकी का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई और गुने में गहराई या ऊंचाई भी कह सकते हैं, बराबर में 8। यहां से y बराबर में आ जाएगा 8/2x, काट देंगे इसको 4 बार में, यानी कि y बराबर आ जाएगा 4/x, समीकरण 1 मान लेते हैं। तो हमें इसमें क्या निकालना है, तो खर्च निकालना है। तो खर्च निकालने के लिए पहले हम लोग ये पता कर लेते हैं कि अगर x लंबाई हो, y चौड़ाई हो और ऊंचाई यानी गहराई 2 मीटर हो तो खर्च कितना लगेगा। टंकी बनाने में लगा कुल खर्च को जो है ना, हम लोग यहां से अमाउंट ए से डिनोट कर देते हैं, है ना, कोई एक संकेत ले लिए, ए ले लिए। अब देखिए कुल खर्च कैसे निकालेंगे हम लोग, तो लंबाई एक्स है और चौड़ाई वाई है, तो हम लोग जानते हैं आयत की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई और × ऊंचाई यानी गहराई, ये हो जाएगा। और नीचे वाला तल का क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, यानी ऊपर का बिना ढक्कन का है तो ये नीचे वाले आधार का यह हो जाएगा क्षेत्रफल एक्स वाई और ये चारों दीवारों के लिए यह हो जाएगा। तो नीचे वाले आधार का खर्च है 70 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, तो एक्स वाई मीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, तो यानी कि 70 XY आ जाएगा प्लस इसका चारों दीवारों का यह है आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला ना, क्षेत्रफल यह है। तो हमें क्या करना होगा, प्रति मीटर स्क्वायर कितना है 45 रुपए, तो 45 × 2 × x + y × 2 हो जाएगा, ठीक है। तो a बराबर में आ जाएगा 70 XY प्लस में 45 × 90 × 180 x + y। मैं यहां y की जगह 4/x लिख देता हूं, a बराबर में 70 X × 40/x + 180 x + y की जगह पे 4/x, सॉरी मैंने 40 लिख दिया है, 4/x ना, है ना, y का मान मैंने 4/x रख दिया। तो यहां देखो x से x कट जाएगा, a बराबर में यहां कितना जाएगा 280 और प्लस में 180 × x + 4/x, ऐसे मैं लिख सकता हूं ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग इसे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स,
तो यहाँ हो जाएगा dA बटा में dx बराबर में क्या हो जाएगा, इसका तो जीरो, फिर आएगा 180 और ब्रैकेट में 1 का x का 1 हो जाएगा और 4 में x का माइनस 4 बटा में x स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे, therefore dA बटा में dx बराबर में जीरो, 180 इंटू में 1 माइनस 4 x स्क्वायर बराबर में जीरो, ये जाएगा भाग में बचेगा 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर बराबर जीरो, ये जाके उधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 1 बराबर में जाएगा 4 बटा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर आके गुना करेगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर जाएगा रूट में, x का मान आ जाएगा यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2, तो चूंकि निगेटिव नहीं हो सकता इसलिए सिर्फ 2 ही लेंगे, रूट यहाँ पे प्लस माइनस 2 आएगा ना जी, स्क्वायर जाएगा तो रूट तो प्लस माइनस लगता है लेकिन यहाँ पे माइनस में नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है, चूंकि लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, ठीक है, नहीं हो सकती है, इसलिए x बराबर में क्या आएगा प्लस का 2, तो x का मान 2 आ गया। अब इस पे चेक करते हैं दोबारा डिफरेंशिएट करके, चूंकि dA बटा में dx बराबर में है 180 ब्रैकेट में 1 माइनस 4 बटा में एक्स स्क्वायर, चलिए अब इसे फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी स्क्वायर ए बटा में डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, ये इंटू में कांस्टेंट इसलिए ऐसे रहा 1 का 0, और इसका देखो क्या होगा, ये पावर ऊपर जाएगा पावर नीचे उतरेगा तो 8 और बटा में एक्स क्यूब हो जाएगा, 8 बटा में एक्स क्यूब हो जाएगा, समझ रहे ना, यानी कि ये कितना हो जाएगा 144, एक जीरो भी लग जाएगा ना, 18 8 44 होता है 144 और यहाँ एक जीरो लग जाएगा और बटा में एक्स क्यूब, ये आपका क्या हुआ जो द्वितीय कोटि का उपला चाहिए, हमें किस पे चेक करना है एट एक्स इक्वल टू टू, एट एक्स इक्वल टू टू, तो मुझे चाह रहा था इसमें गुना नहीं करने के लिए, इतना भी छोड़ते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो जाएगा डी स्क्वायर ए बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर में 1440 और बट्टा में x का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब मैं सीधे 8 लिख देता हूँ ना, 2 का क्यूब 1440 बट्टा 8, 8 से इसको काट देंगे 180 आ जाएगा, तो 180 जो आ रहा है या 0 से बड़ा है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है यानी कि या आपके x बराबर 2 पर यहाँ पर जो कुल लागत होगी, कुल खर्च जो होगा वो मिनिमम होगा, यानी कि x बराबर 2 पर व्यय क्या होगा निम्नतम होगा, निम्नतम होगा खर्च जो होगा निम्नतम होगा, तो हमारा निम्नतम खर्च क्या हो जाएगा, निम्नतम खर्च भी हमें निकालना होगा ना जी, निम्नतम खर्च जो लग रहा है, तो आपका ऊपर जो मैंने लिखा था निम्नतम खर्च के लिए हम लोग देखे थे, निम्नतम खर्च जो था वह हमारे निम्नतम खर्च क्या होगा, इसमें रखेंगे तो आएगा, इसी में रखेंगे तो आएगा, तो ये आया है, ये है, तो y का मान हमें पहले पता होना चाहिए, y का मान हमें पहले पता होना चाहिए, तो इस निम्नतम खर्च को निकालने के लिए अब देखो y बराबर में क्या था 4 बटा में x, y बराबर में 4 बटा में x था ना जी, देखो y बराबर 4 बटा x, तो x का मान अगर आप 2 रख देते हो तो y बराबर भी 2 ही आ जाएगा, y बराबर भी 2 ही आ जाएगा, तो निम्नतम खर्च निकाल देंगे तो आपका कितना था 70xy, ठीक है, प्लस 180 एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई यानी कि 2 प्लस 2 यही ना हो जाएगा, चलिए ये आपका 280 और प्लस यहाँ ये 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, ये 720 तो दोनों को जोड़ दोगे तो ये 1000 रुपए जो होंगे निम्नतम खर्च आएगा, समझ गए, देखिए बहुत ही